चलिए बड़ी खबर मिल रही है औरैया से, जहां पर घूस लेते उप निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। चार्जशीट लगाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र से 10,000 की रिश्वत की मांग की थी। एंटी करप्शन कानपुर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रामजी परिहार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, घूस लेते उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। चार्जशीट लगाने के एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग की थी। चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र से ये पैसे मांगे गए थे, जिसके बाद एंटी करप्शन कानपुर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रामजी परिहार को शिकायत पर कार्रवाई की गई। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते संवाददाता अजित तिवारी की ओर। अजित, एंटी करप्शन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चौकी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया 10,000 की रिश्वत लेते हुए, क्या कुछ जानकारी? जी अमिता, आपको बता दूं, ये जो अच्छू चौकी में तैनात सुरेश चंद्र जो है, इनको एंटी करप्शन ने रगे हाथ पकड़ा है। इन पर आरोप है कि इनने पीड़ित पर जो है 10,000 रुपए की मांग की थी एक विवेचना में चार्जशीट लगाने को लेकर, जिस पर पीड़ित ने हताश होकर, क्योंकि पीड़ित का आरोप है कि वो पहले से प्रताड़ित है पुलिस से, पुलिस बराबर जो है उसको प्रताड़ित कर रही, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी या लिखे जा रहे हैं, और इस बार भी पैसे की मांग की गई थी। मजबूरन उसने एंटी करप्शन को शिकायत की और एंटी करप्शन टीम ने आकर दरोगा को रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है, बड़ी कार्रवाई की है। इससे पुलिस महकमे में बड़ा हड़कंप मचा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी के लिए। बता दें पुलिस महकमे में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एंटी करप्शन कानपुर की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चौकी इंचार्ज सुरेश चंद्र ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी, जिससे उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। चार्जशीट लगाने के एवज में ये रिश्वत की मांग की गई थी।